शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपलोड करने जा रही हूँ सेकेंड यूनिट टेस्ट, सब्जेक्ट है हिंदी। आप लोगों का टाइम रहेगा 1 आवर का और पेपर होगा 20 मार्क्स का। तो पेपर पैटर्न क्या आएगा इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताती हूँ बीच बीच में, तो मिस मत कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले विभाग एक गद्य प्रश्न पहला पठित परिच्छेद यानी पैराग्राफ पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है सबसे पहले आराम से। फिर कृति एक आकलन कृति, उसी पैराग्राफ के ऊपर आपको यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए करके सवाल पूछा जाएगा। तो ईंटों की जुड़ाई यहाँ पर दिया है ना, तो इसके रिलेटेड कौन से दो वर्ड्स है यहाँ पर आपको लिखने होंगे, ठीक है। और ये है आपका 8 मार्क्स का। लिखते समय आप लोग काना मात्रा वेलांटी बराबर से चेक कर लिखिए, पैराग्राफ में एक बार चेक कर लीजिए। अभी ख कृति दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी पैराग्राफ के ऊपर ही है 1 मार्क का। और कृति तीन प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी एक ही है 1 मार्क का। कृति चार सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर लिखिए। तो इसमें इन लोगों ने 3 चॉइस दिए हैं, उसमें का राइट चॉइस आपको करना है और वाक्य फिर से लिखना है, सेंटेंस फिर से लिखना है। कृति पाँच उचित जोड़ियाँ मिलाओ, इसमें है मैचिंग, तो पैराग्राफ के हिसाब से आप लोगों को ये मैचिंग भी कंप्लीट करना है। कृति छः सही उत्तर जोड़कर वाक्य पूरा कीजिए, ऐसा काम करना होता। तो इसके आगे क्या है कंटिन्यूटी में वो आपको लिखना है, वो भी 1 मार्क का है। कृति 7 स्वमत अभिव्यक्ति, अभी स्वमत यानी आपका खुद का ओपिनियन, तो उसके ऊपर यहाँ पर सवाल पूछा गया है जो वो पैराग्राफ से ही रिलेटेड होगा। तो परिच्छेद के हिसाब से किस टॉपिक के ऊपर आपका उन्होंने ओपिनियन मांगा हुआ है वो आपको लिखना है और इसके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने हैं और ये है 2 मार्क का। तो इस तरह से गद्य विभाग में ओवरऑल आप लोगों को 8 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। पद्य विभाग यानी कविता, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर आपको कविता के लाइंस दिए गए हैं, फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कृति एक में ये चार्ट पूरा करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बराबर से समझ कर लिखिएगा जो सवाल पूछा है, इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कृति दो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक ऐसी वो भी कविता के ऊपर ही है जो 1 मार्क का है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 मार्क का है। कृति चार निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, तो इन लाइन का मीनिंग क्या है, इसमें से हम लोग को क्या मैसेज मिलता है ये आप लोगों को लिखना है। तो ये है 2 मार्क्स का, ये भी स्वमत के जैसा ही है, आपके वर्ड में आपको जवाब लिखना है इस कविता के बारे में, ओके। अभी विभाग तीन व्याकरण में 6 मार्क का है। कृति एक निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थी आएंगे, विरुद्धार्थी शब्द भी आपको पूछे जाएंगे जो 1-1 मार्क के होंगे, यानी 0.5 मार्क का एक जवाब। उसके बाद आएगा ग मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। घोड़े बेचकर सोना यानी गहरी नींद सोना, ठीक है। तो इसका भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो कैसे आप लोग करेंगे कि पुलिस अपना काम छोड़कर घोड़े बेचकर सो रहा था, वॉचमैन अपनी ड्यूटी पर घोड़े बेचकर सो रहा था, ठीक है। इस तरह का कोई भी आप लोग वर्ड बना सकते हो। घ अव्ययों को पहचान कर लिखिए,
तो इसमें आपको अव्ययी पहचाना है, फिर उसके बाद है संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए जो 2 मार्क का है, जो वर्ड्स दिए जाएंगे उसमें का आपको करना है वो। फिर संज्ञा और विशेषण, इसमें के जो पूछे गए हैं ना संज्ञा और विशेषण, यहाँ पर आपको लिखने हैं, ठीक है। और ये 2 मार्क का है, तो इस टाइप का आपको पेपर पैटर्न आएगा, यही पेपर नहीं है आपका। और जब आप लोग पेपर लिखने के लिए बैठोगे तो सबसे पहले प्रश्न पहला से ही आपको स्टार्ट करना है, फिर प्रश्न पहला ये जो भी क ख ग घ जो भी है ना, क कृति 1 कृति 2 कृति 3, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को जो आ रहा है वो पहले लिख लीजिएगा, जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दीजिए आप लोग। और पूरा प्रश्न पहला हो जाने के बाद फिर दूसरे नए पेज पर आप लोगों को प्रश्न दूसरा लिखने के लिए लेना है, ठीक है। फिर प्रश्न दूसरा के ये जितनी भी कृतियां हैं कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को विभाग 3 प्रश्न तीसरा जो रहेगा उसको सेपरेट लिखना है, अलग पेज में नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है, और जो नहीं आ रहा है उसको आप लोग बाद में लिखिए, जो आ रहा है सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिए, ओके। तो चलो फिर आप लोग, मैं इसके फोटोज भी आपको डालती हूँ पेपर के, ताकि अगर आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अभी मैं फ़ोटो भी डालती हूँ और मैं ये वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, और आप लोग एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ये पेपर, ओके। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले पेपर के साथ। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।